Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक के ऑफिशियल चैनल पर। मैं ऋतुराज अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं यहां पर आपको एक चीज, जैसे मैंने आपको बताई कि जिसके पास धैर्य है, आपको अपने अंदर धैर्य रखना है, ठीक है। धैर्य बनाए रखिएगा, एग्जाम होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रिमर्स फैला रहे हैं कि सर कोरोना वायरस की एग्जाम नहीं होगा या ऐसा कुछ होगा, तो उन बातों पर मत जाना, ठीक है। जब तक कि जो ऑफिशियल है हमारा, चाहे SSC हो, DRDO हो, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम है, अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता या ऐसा कोई चीज़ नहीं आ जाती है, तब तक आप मत मानिएगा, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट बैठ करके पढ़ रहा था, तो गाइस जल्दी से आप यहाँ पर अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जब तक आप अटेंडेंस मार्क करेंगे, मैं आपको एक ऑफर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेशन के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम ले लो आप, गवर्नर जनरल और वाइसराय और उनके द्वारा किए गए काम, ये प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो जब ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको आज हम एक ही पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें आज बता दूंगा कि इसके बाद अगर गवर्नर जनरल और वाइसराय से कोई भी क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो जल्दी से यहाँ पर अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। कंप्यूटर जी आपको ऑफर की स्लाइड दिखाएंगे, फिर हम चलेंगे हमारे सेशन की तरफ। ग्रांड मार्स सेल चल रही है जहां पर आपको टेस्ट पास मिल रहा है ईयरली जस्ट ₹299। और SSC CHSL का महायुद्ध एग्जाम का जो पूरा रिवीजन है आपको मिलेगा कल सुबह 10 बजे से, जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। और यहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी एग्जाम की। अब हम आते हैं हमारे सेशन की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन आपका पहला स्क्रीन पर आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको आंसर तो करना है, बट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। भारत में जब ब्रिटिश का आगमन होता है, बात 1600 की है, आए थे व्यापार करने और उन्होंने पूरे भारत को कैप्चर कर लिया था। भारत का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से यहाँ पर राजाओं की तरह रहने लग गए थे, और जो यहाँ के लोग थे उन्हें ही गुलाम बना दिया गया था। इन्होंने 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो 1757 का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने पहले बंगाल को कैप्चर किया। बंगाल को अपने हाथ में लेने के बाद अपना पूरा का पूरा जो कंपनी का सेटअप था वो वहां पर लगाया। उसके बाद 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन उनकी बहुत सारी पॉलिसीज आई। अगर आप सोशल रिलीजियस की तरफ बात करेंगे, तो बैन ऑन सती प्रथा पर बैन, विधवा पुनर्विडो रिमैरिज एक्ट जिसको हम कहते हैं, ये पॉलिसीज लाई थी। इकोनॉमिक में आप देखेंगे तो रियातवारी सिस्टम, महलबारी, जमींदारी, ये सिस्टम आए थे। पॉलिटिकल में आप देखोगे तो सब्सिडरी अलायंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सारी पॉलिसीज आई थी। तो इन्हीं के बारे में क्या करना है, आज हम वन बाई वन जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ये सेशन पूरा देखने के बाद कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो क्वेश्चन 110% आपसे बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आपसे ना बने, ओके। तो चलते हैं हम हमारे सेशन की तरफ। और यहां पर जो आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ये लिख करके आ रहे हैं, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई लास्ट वाइसरॉय की बात करी गई है, तो वाइसरॉय का जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस होता है 1857 का जब रिवोल्ट होता है 1857 का। इस रिवोल्ट के बाद जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने भारत की जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले ली थी। और उसके बाद इन्होंने भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। सबसे पहला जो चेंज था वो यही था कि भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके ले आए थे किसको, वाइसराय को। मतलब पहले तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन हुआ करता था, देखो गवर्नर जनरल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंग्रेजों ने 3 शहरों पर अपना व्यापार बनाया था, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ये 3 शहरों में उनके गवर्नर हुआ करते थे, उनकी 4 से 5 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी। तो जब गवर्नर और 4-5 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी उसमें, तो वो क्या होता था,
प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे। यहीं पर उन्होंने बैंक खोले थे, जो आपको पता होगा प्रेसिडेंसी बैंकों के बारे में, जो आज हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। इसके बाद ये जो दोनों प्रेसिडेंसी थी इनको अंडर कर दिया गया था बंगाल के, और गवर्नर जनरल जो गवर्नर हुआ करता था उसे कह दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके बाद वही पर्सन बन जाता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल वाले को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। और फिर 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल था वो कहलाने लग गया इंग्लैंड की महारानी का वाइसरॉय। तो हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय की बात करी गई है, तो सबसे पहले यहां पर देखो लास्ट वाइसरॉय, देखो फर्स्ट वाइसरॉय पर भी क्वेश्चन आएगा, मैं सबके बारे में बताऊंगा। लास्ट वाइसरॉय थे यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन। आप सभी को पता है जब भारत की आजादी के बारे में एग्री हो गए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को, लुई माउंटबेटन को यहां पर वाइसरॉय बना करके भेजा था भारत, जिन्होंने पहले से ही ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो टिकट्स हैं वो टिकट्स बुक करवा चुका हूं। और अंग्रेज अगस्त 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। बट वहाँ की जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को देखते हुए, उन कंडीशंस जो ग्राउंड रिएक्शन था, ग्राउंड रिलेशन थे, उन सारी चीज़ों के बिहाव पर उन्होंने डेट डिसाइड कर दी थी 15 अगस्त 1947, और इसी दिन भारत को आज़ादी दे दी गई थी, ठीक है। पुनीत बम्बा जी, 1806 में सबसे पहले बंगाल बना था, बैंक ऑफ बंगाल, उसको 1809 में कर दिया गया, सॉरी बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों हुआ करते थे। यही आपका 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे, जो आगे जाकर के 1955 में SBI बन जाते हैं। तो इसका अगर आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ये आपका जो थे ना, तो 12 फरवरी 1947 को भारत आए थे, 12 फरवरी 1947 को ये आखिरी वाइसरॉय थे, और इन्हीं के समय पर जो भारत है वो आज़ाद हुआ था। हेलो सुमन आनंद जी, बिल्कुल जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1947 का, वो इन्हीं के उसमें आया था। अच्छा, फर्स्ट वाइसरॉय के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन है तो वहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हेन वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय अपॉइंटेड इन इंडिया, भारत के पहले वाइसरॉय को कब नियुक्त किया गया था, ठीक है। देखो ईयर की बात करी गई है, तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट के बाद भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, पॉलिटिकल सेगमेंट थे, ये सारा कुछ बदल चुका था, और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ब्रिटिश क्राउन के फिर कहलाए वाइसरॉय। मतलब ये ईयर हो जाएगा आपका 1858। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो एक जो पर्सन लास्ट गवर्नर जनरल रहा होगा, लास्ट गवर्नर जनरल 1858 वही यहां पर बनकर के आया होगा फर्स्ट वाइसरॉय। ओके, जो लास्ट गवर्नर जनरल होगा वही फर्स्ट वाइसरॉय बनकर के आया होगा, तो इसका नाम पर्सन का है लॉर्ड कैनन। लॉर्ड कैनन 1857 के रिवोल्ट के टाइम भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ये सत्ता पहुंच जाती है तो इनको गवर्नर जनरल से बना दिया गया था वाइसरॉय। पर बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऐसा थोड़ी है कि भाई 1858 के बाद हमें गवर्नर जनरल सुनने को नहीं मिला, मिला उसके बाद भी जब ये वाइसरॉय कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करा करते थे तो दे विल कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल, और जब ये भारत की किसी रियासत से मिलने जाते थे तब ये ब्रिटिश की महारानी के वाइसरॉय कहलाते थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के सी राजागोपालाचारी हो जाएंगे, हृषिकेश घोटकर जी कह रहे हैं, बिल्कुल अपन वहां पर आएंगे अभी। अगला जो प्रश्न आपसे यहां पर देखो पूछा गया है, हु अनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाई, बंगाल का विभाजन द्वारा रद्द किया गया था, ये जो है ना 1905 की बात है। ये एक ऐसा दौर था जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा का पूरा देश वापस से इकट्ठा खड़ा हो गया था,
1905 में बंगाल का सेपरेशन किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाए गए, पूरा भारत इकट्ठा हुआ, अंग्रेजों की इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अपोज करने लगे, विरोध करने लगे। अंग्रेजों को ये लगा कि अब ये हमारी जड़ें यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे, अब हम भारत में ज़्यादा दिन तक सत्ता नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने वे जो बंगाल का पार्टीशन था उसे रद्द किया था, स्पेशली बंगाल के डिवीजन से रिलेटेड, बंगाल विभाजन से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी जिसे अरुंडेल कमेटी कहा गया। अरुंडेल कमेटी के रिकमेंडेशंस को लेकर के जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जिनके स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस दिल्ली दरबार में 1911 में ही अनाउंस किया गया था कि बंगाल का विभाजन खत्म किया जाता है, स्प्लिट ऑफ बंगाल, और पहले जैसी कंडीशन लाई जाएगी। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की राजधानी कब चेंज हुई थी, ये भी अनाउंसमेंट 1911 दिल्ली दरबार थर्ड में हुआ था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय नई दिल्ली होगी। लॉर्ड लुई लुटियंस को दिया गया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन करने का नई दिल्ली। नई दिल्ली का मतलब आज जो हमारी पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन जिसे वाइसराय भवन के नाम से जाना जाता था, और इंडिया गेट बना हुआ है, ये पूरा रीजन हमारा नई दिल्ली कहलाता है, ये भारत की राजधानी है। ठीक है, बिकी जी कह रहे हैं सर वाइसराय गवर्नर पर क्या होता है, गवर्नर पर क्या होता है, ये एक पोस्ट होती है विकी जी। ठीक है, जैसे आप अगर एसएससी क्रैक करके जाएंगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, है ना, फूड इंस्पेक्टर बनेंगे, कोऑपरेट इंस्पेक्टर बनेंगे, कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे तो सेम चीज आपका यहाँ पर भी होती है, ये भी एक पोस्ट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स यहाँ पर आ गया इसका राइट आंसर। एकता झा जी ने बिल्कुल यहाँ पर सही बात करी है, आपका जो नेशनल सॉन्ग भी था इसको भी गाया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर रहेगा, जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, मतलब 1911 में उस समय पर ये हुआ करते थे। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो 1910 से लेकर के 1910 से लेकर के 1916 के बीच में आप अगर देखोगे 1910 से लेकर के 1916 तक, तो ये यहाँ पर रहे हैं। और 1911 में रद्द कर दिया गया था, मैंने आपको बताया, अरुंडेल कमेटी याद रखिएगा और जॉर्ज पंचम को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच गवर्नर जनरल इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उत्तर भारत में सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश की, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है या वो बोलना नहीं जानते हैं, और एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने हमारे भारत में इस भाषा को इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि अगर देखें तो ये वही भाषा है जिसने आज पूरे भारत को एक मोती की या एक माला में पिरो करके रखा है। आपको अगर हिंदी भाषा आती है आप साउथ साइड चले जाइए, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश भाषा आती है तो आप भारत में कहीं पर भी चले जाइए, आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी, भारत के में किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू करी गई थी, इसको एक मीडियम बना दिया गया था, हालांकि उसके बाद उसको चेंज किया था कि भाई कोई भी स्टेट होगा उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, पांचवीं तक की जो क्लास है वो मीडियम उसका रहेगा आपका स्टेट लैंग्वेज, बट कक्षा 6 जो सिक्स्थ क्लास रहेगी उसके बाद से आपका इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया था, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना। और नाम यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे इनिशिएट हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर। अरे बिल्कुल, यहाँ पर जो टीबी मैकाले साहब है ना, तो मैकाले साहब की अगर आप बात करोगे ना तो मैकाले साहब ने प्रयोग में लाने का पूरा मॉडल था वो वहाँ पर लेकर के आए थे, वो क्वेश्चन भी मैंने रखा है, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले जो इनिशिएशन की बात करी गई है, इनिशिएटेड, तो लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक है, इनके द्वारा इनिशिएटेड था। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी सबको चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने सही आंसर दिया है उनके लिए चॉकलेट आ रही है, और जितने लोगों ने गलत किया है थोड़ा सा सब्र करो, आगे भी प्रश्न आएगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो डिफरेंस है ना बेंटिक और मैकाले का, ये आपको समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साउथ में भी हिंदी को ज्यादा बोलना चाहिए तभी वहां भी लोग हिंदी जाएंगे। यस औसफ जी, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। 1 lakh इन्वेस्टेड एवरी ईयर इन एजुकेशन, पंकज जनोती जी ने बिल्कुल यहाँ पर एक सही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, हु वॉज द
फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय यहां पर कौन था ये आपको बताना है। हिस्ट्री ऑफ गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया की जो हिस्ट्री है, देखिए चंदन कुमार जी आज सबको चॉकलेट खिला रही हैं, बिल्कुल बेस्ट गुड्डू जी के लिए स्पेशल चॉकलेट भेज दी जाए भाई। चलो आपस में एक दूसरे को चॉकलेट खिलाते रहो, ऐसे ही अपना जो एक रिलेशन है वो एक स्वीट एक मधुर बनाए रखो, एग्जाम क्रैक करना है याद रखना। इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर की आप बात करोगे तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था लॉर्ड कैनन इसका सही उत्तर होगा, जो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया हैड बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को के किस वर्ष गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा एक ऐसा सामाजिक कुप्रथा थी जिसको हम क्या बोले, कॉस्ट्यूम बोले, ठीक है कि भाई जो आपका एक हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से बुरा, बहुत बुरा था कि अगर किसी मतलब फीमेल का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी उनकी चिता पर बैठना होता था। और कोई भी इंसान अगर जिंदा उसको जलाया जाएगा, आग लगेगी शरीर में तो आवाज़ तो निकलेगी, तो उन्हें मदरा धतूरा जो होता था, धतूरा पिलाया जाता था, ढोल बजाए जाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि उसकी जब आवाज़ आए चिल्लाने की तो कोई सुन ना सके। इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रयास किए थे, और वो जो पर्टिकुलर प्रयास थे तो किस गवर्नर जनरल के समय पर सक्सेसफुल हुए थे, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पर जो है ना इस पर्टिकुलर सिस्टम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। देखो महिलाओं पर जो जुल्म की कहानी बहुत पुरानी है, ये यहाँ से शुरू नहीं होती है, ये अगर आप देखोगे तो जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ से ये कुप्रथाएँ चलना शुरू हुई थी। चाहे काला जादू हो, नरबलि हो, नरबलि आप सभी ने सुना होगा, काला जादू के चक्कर में लोग बच्चों की बलि दे दिया करते थे, इंसानों की बलि दी जाती थी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ऐसी ऐसी कुप्रथाएँ भी हमारे देश में रही हैं। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके समय पर इस रिफॉर्म को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया था। और ये जो था ना, तो सबसे पहले प्रयास किनके द्वारा किया गया था, एक पर्टिकुलर पर्सन जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इन्हें हम बोलते हैं राम मोहन रॉय। ठीक है, राम मोहन रॉय। अब देखो इनके नाम के सामने राजा भी लगता है, राम मोहन राय के उसके सामने राजा भी लगता है, जिनको राजा राम मोहन राय कहते हैं। मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इसलिए ये राजा राम मोहन राय कहलाते थे। ओके, तो वो सारी चीजें यहां पर। और अगर आपसे रूल पूछे तो रूल 17 यहां पर लाया गया था, बात कब की है, 1829 में इस पर्टिकुलर सिस्टम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था भारत में। ठीक है, और यहाँ पर जो था ना कि बाद में मुंबई और मद्रास में फिर भी चालू था, बट मुंबई मद्रास की बात करें तो 1830 आंसर हो जाएगा, पूरे भारत में 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वाइसरॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस। सबकी समस्या सबका सोल्यूशन, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके लिए कितने सारे लोग अपने दिल में एक सपना लेकर के आते हैं कि हाँ मैं एक ऑफिसर बनूंगा, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करूंगा। तो जो भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज है, चाहे आपका वो PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, UPSC हो, गवर्नमेंट का एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट था वो किसके समय पर शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो यहां पर देखो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को देना है इसका क्या रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इन्होंने आपका जो है ना कि भाई जो भारतीय सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज को लॉन्च किया गया था आधिकारिक तौर पर, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम पर जाना जाता था सारी चीज़ों को जब अंग्रेज हुआ करते थे, बट उस इंपीरियल शब्द को बाद में रिप्लेस कर दिया गया इंडियन से। ठीक है, जैसे आपने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, बट इंपीरियल बैंक को तो SBI बना दिया गया था। कॉर्नवालिस बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो 1858 और 47 के बीच की अवधि को अगर आप देखोगे तो भारत सरकार में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें सबसे ज्यादा उच्च नागरिक सेवा हुआ करती थी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज भी है। तो अगला प्रश्न आपसे देखो, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है,
ट्रेन डलहौजी चलाया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 में जो सबसे पहला वॉर हुआ था आज़ादी का, उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। रवि जायसवाल जी कह रहे हैं इट इज़ हेल्पफुल फॉर एसएससी जेई। यस रवि जायसवाल जी, बच्चे मैं आपको बताना चाहूँ, देखो जीएस कहीं पर भी नहीं बदलता है, ठीक है। आपका चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डीआरडीओ हो, बैंकिंग में तो आता ही नहीं है जीएस, उसमें जीए आता है इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, है ना। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो सब जगह पर ये सेम रहेगा, कहीं पर भी ये बदलता नहीं है, तो इसमें परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ पर देखो सभी लोग लॉर्ड कैनिन कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। जो इनके नाम पर दो चीज़ें हैं, लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, और फर्स्ट वाइसरॉय। लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय, ये इनके नाम पर दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्ता जी कह रही हैं ये एक्साइटमेंट के चक्कर में हमेशा, आज संयुक्ता जी आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह जिस चीज़ को चाहता है उसे पा सकता है। धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। एक धीरा, जिसको, जिसे महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, वो जीता जागता एग्जाम्पल है। उनको आपने कभी भी एक्साइटेड होते या कभी भी अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा होगा, वो हमेशा शांत रहते हैं। और लोहा जितना गर्म होता है ना, उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। वो सबसे कठोर तभी होता है जब वो ठंडा होता है। तो यहां पर देखो अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे, ड्यूरिंग हूज वाइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। किस वाइसराय के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड कैनन, लॉर्ड हार्डिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड क्लाइव। ओके, तो बिल्कुल यहां पर आपको एकदम बिल्कुल शांत रहना है, एकदम बिल्कुल कैप्टन कूल की तरह। लंबी इनिंग खेलना चाहते तो कैप्टन कूल बन जाओ, है ना। तो यहां पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किसकी वाइसराय के समय पर जो भारत की राजधानी को ट्रांसफर किया गया था, बात मैंने आपको बताई कि कब की है, ये 1911 की बात है, इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड हार्डिंस। हार्डिंस के समय की बात है, और जो लॉर्ड हार्डिंस थे 1810 से लेकर के 1816, 1810 से 1816 के बीच में भारत में वाइसरॉय रहे हैं। इन्हीं के समय पर जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, अरुंडेल कमेटी इसी समय पर थी, और ये सारी चीजें यहीं पर हुई थी। तो हम आते हैं यहां पर लॉर्ड हार्डिंस के बाद अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बहुत खतरनाक पॉलिसी थी, ये अगर देखोगे तो पॉलिटिकल में आता था, मतलब जो अंग्रेजों ने पॉलिटिकल रिफॉर्म किए थे हमारे देश में, ये उससे रिलेटेड है। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब समझना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलय की नीति या हड़प नीति जिसे कहा जाता है। क्या था कि भारत में जो भी आपकी स्टेट में राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो रियासतें उनकी कहलाती थी, वो रियासतें उनके बाद उनके बच्चों की कहलाती थी, सगे बच्चों की, या उन्होंने जिसको गोद में लिया है उन बच्चों की भी कहलाती थी। अब अंग्रेजों ने ये पॉलिसी लाई कि वो रियासतें जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब जिनका कोई सगा बेटा या सगा बेटा नहीं है, तो वो रियासतों में जो गोद लिया हुआ बच्चा है जिसे दत्तक पुत्र कहा गया, उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो गोद लिया हुआ बच्चा जो दत्तक पुत्र कहलाया, उसको दिया हुआ या उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और ऐसी सारी की सारी रियासतें अंग्रेजों की कहलाएंगी, उसी को कहा गया आपका लॉर्ड जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति। इसका शिकार होने की अगर अब बात करेंगे, सतारा मराठा अंपायर या महाराष्ट्र जो था आपका शिवाजी महाराज से जो आपका मराठा अंपायर हुआ था, तो मराठा अंपायर का सतारा इसका शिकार होने वाला पहला स्टेट बना था। झांसी सभी लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया था। और चूंकि उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, दत्तक पुत्र को अंग्रेज वहां पर मानते नहीं थे उत्तराधिकारी,
तो अपनी आखिरी सांस तक वो अपने राज्य को बचाने में के लिए लड़ी थी, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखो तो झांसी को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और यहां पर देखो इसके अगर आप राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय पर यहां पर लाया गया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पर या लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर इसको यहां पर लाया गया था। इन्होंने यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो कोई बात नहीं, अपने पर फोकस करो, देखो दूसरा क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। एक चीज याद रखो, बहुत सारी जो ख्वाहिशें हैं लोगों की वो सिर्फ ये कहकर के चली जाती हैं, इस वजह से वो खत्म कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बाद में लोग कुछ नहीं कहते, सब यही कहते हैं राम नाम सत्य है। तो अपने पर ध्यान दो, खुद का इम्प्रोवाइजेशन करो, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का लॉर्ड कैनन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप करके बताओ उसके ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है समझ आया या नहीं, क्या है हड़प नीति। ओके, तो देखते हैं यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सभी को समझ आ गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, अंडर विच वाइसरॉय टेन्योर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। किस वाइसरॉय के समय पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको फॉर्म किया गया था। आज अगर आप देखेंगे तो जो है ना मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जाता है भाई एक रिसॉर्ट पॉलिसी आई है, पता है आपको, कि कहीं पर भी अगर थोड़ी सी अनबन होती है ना तो सारे जो MLAs होते हैं उनको एक दूसरे स्टेट में जहां पर जो सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं MLA हैं उन सबको जयपुर के एक रिसॉर्ट में ले जा करके बंद कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत सारे जो कांग्रेस के मतलब MLAs से जिन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उनको कहाँ पर कर्नाटक में ले जा करके बंद कर दिया है ना। और अगर राजस्थान में ये हाल है कि अगर कोई भी विधायक कहीं बाहर जा रहा है ना तो वो सब उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि कहीं अमित शाह जी इनको उड़ा ना ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है किसके समय पर हुआ था, ठीक है। और बात 1885 1885 की है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। AOUM यहाँ पर इसके वो बने थे फर्स्ट 1885 में बनी थी। इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे ना तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय पर यहाँ पर फॉर्म किया गया था इसको। और एक चीज़ याद रखना, डफरिन ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है ना ये आपका एक मेंढक की तरह है, ठीक है। ये मेंढक की तरह है कि जैसे मेंढक बारिश जब होती है ना तब बारिश में आकर के टर्र टर्र करता है, सेम चीज वहां पर एक साल में जो कांग्रेस का सेशन हुआ करता है वहां पर सारी पॉलिसीज बन जाती हैं। और उसके बाद यहां पर क्या है कि भाई उनको फॉलो नहीं किया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल जड़े रहो, मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक वीडियो जल्दी रिलीज करने वाला हूं, उसमें आप एंटी डिफेक्शन लॉ को सारा कुछ समझ जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत ने जब आजादी की बात करी थी, भारत ने जब आजादी की बात करी थी तो यहां पर क्या था कि भाई अंग्रेजों ने उनको बोल दिया था डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप सरकार बना लो, सारी चीजें परफॉर्म करना शुरू कर दो, बट यहां पर जो है ना हम जैसा कहेंगे आपको वैसा करना होगा। तो उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और दूसरे विश्व युद्ध में समर्थन लेने के लिए, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश अंग्रेज जो थे ये भारतीयों का समर्थन चाहते थे, तो वो वहां पर क्या थे कि भाई अंग्रेज जो उनका समर्थन चाहते थे इसलिए उसने डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कर दी थी, है ना। लेकिन इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था कि अगर मान लीजिए हमने आपको समर्थन दे दिया उसके बाद अगर आप सरकार नहीं बनाते हैं तो क्या होगा। तो उसके बाद फिर यहां पर जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था आपका लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पर, ठीक है। कब की बात है, अगस्त 1942। अभी अगर आप देखोगे तो ये प्रश्न एज इट इज एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, बात कब की है, अगस्त 1942 की है। ओके, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है कि हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल के पूर्ण समझौता की शुरुआत किसने की थी, कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। परमानेंट सेटलमेंट जो था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। परमानेंट सेटलमेंट को यहां पर किसी एक और चीज के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल यहां पर योगेश मधाने जी आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अच्छा, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1793 इसका राइट आंसर होगा।
1739 में आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपल सा इसका ये था कि भाई जमींदार बना दिए गए थे, जमींदारों का काम होता था जो किसान थे उनसे वो कलेक्ट करना और उसके बाद वो उन तक पहुंचाना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। कार्नवालिस के समय की बात है जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को, और कब इंट्रोड्यूस किया था, 1793 में। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार डेट इम्पॉर्टेंट है विकी जी, बिल्कुल। यहाँ पर मॉडर्न इंडिया में जो एग्जाम पर क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें डेट एज इट इज पूछ लेता है, तो मॉडर्न इंडिया की डेट्स आपको याद होनी चाहिए। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था उसके दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड जॉनसो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मैसूर आप सभी को पता होगा, ये हमारे साउदर्न रीजन में पड़ता है, दक्षिण में। और एंग्लो मैसूर का मतलब क्या है, मैसूर रियासत और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए थे उसको आपका एंग्लो मैसूर वॉर कहा गया। तो ये किसके समय पर हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंग्लो मैसूर वार है ना, ये आपका 1780 से लेकर के 84 तक चला था, 184 तक यहां तक चला था। और इस सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध की अगर आप बात करोगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहां पर कौन थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। मतलब फोर्थ यहां पर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1780 से लेकर के 84 तक गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो, मैंने आपको भी बताया था कि तीन पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी टाउन थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, जिनमें से तीनों में गवर्नर हुआ करते थे, उनकी काउंसिल हुआ करती थी, इसलिए उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बाद में बंगाल को सबसे सुप्रीम कर दिया गया था, जो मद्रास और बॉम्बे थे इनको बंगाल के अंदर कर दिया गया था। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, ये आपको बताना था। सनी जी कह रहे हैं कार्नेटिक वॉर का हिस्सा था, बिल्कुल। यहाँ पर सनी जी, कार्नेटिक वॉर के बारे में भी क्वेश्चन है, मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा, फिलहाल अभी इसका आंसर दो। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन सा पर्सन था, वो कहला गया आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपका जो है ना, मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स था फर्स्ट गवर्नर जनरल था, और इसने आपका ऑफिस 1773 की बात है, 1773 में इसने पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफिस ज्वाइन किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर आ रहे हैं सभी के, बेंटिंक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, पूछा गया है आपसे, चार्ल्स कार्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस इन देयर इन 1793। चार्ल्स कार्नवालिस के गवर्नर जनरल थे जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित किया गया था। मैंने आपको विकी जी बोला, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस जो अभ्यास है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कर देता है, और मैं पिछले 6 साल से यही कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पर अभ्यास कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक तरह से दिमाग में फिट सी हो गई हैं। तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था, ये कहाँ पर था आपका, बंगाल था, और वो दोनों उसके अंडर थे जब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को 1793 में, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, लाया गया था। जमींदार बना दिए गए थे, किसानों की जमीनें जमींदार के पास चली गई थी, जमींदारों का काम होता था किसानों से काम करवाना, उपज का जो हिस्सा था उपज से उनको लगान लगाना, ठीक है। और आपके 11/11 मतलब 1/11 और 10/11 यहाँ पर भाग बना करते थे, 1/11 आपका किसानों को जाता था, 10/11 आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था। अगला प्रश्न आपसे, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ट। कोई बात नहीं गुड्डू जी, हो जाएगा, ठीक है, करके देखिए, हो जाएगा। कोई भी चीज हमें तब तक कठिन लगती है जब तक कि उसे किया ना गया हो, ठीक है। एक बार अगर वो काम हम कर लेते हैं ना, तो हमारे यदि ये तो इतना आसान था, है ना। तो यहां पर देखो, इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये एक पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम है जहां से अगर देखा जाए तो भारत में
कानून व्यवस्था में एक स्टेबिलिटी लाई गई थी, और आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 2/3 पोर्शन एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, यस कीर्ति सेठी जी बिल्कुल यहाँ पर कह रही है, करके देखो अच्छा लगता है, ब्लड डोनेशन भी करोगे तो भी अच्छा लगेगा, है ना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखते हैं भाई कौन बताता है यहाँ पर ब्लड डोनेशन डे के बारे में, और जो ब्लड डोनेशन डे के बारे में बताएगा कंप्यूटर जी उसको चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक है, डिजिटल वाली चॉकलेट मिलेगी, और कंप्यूटर जी अगर चॉकलेट खिलाएंगे तो उनके लिए एक लाइक जरूर करना, क्योंकि कंप्यूटर जी बोलते हैं कि सर हम चॉकलेट तो सबको बांट देते हैं, लाइक हमें नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, हु डिवाइज द महलवारी सेटलमेंट, महलवारी जो व्यवस्था थी विचार किसने दिया था, लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड डलहौजी, एडमंड वर्क और वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो देखो कंप्यूटर जी ने चॉकलेट भेजी है आपको, तो वेरी गुड। यहां पर देखो महलवारी सिस्टम की बात करोगे तो राइट आंसर ये दिमाग किसका था, तो ये हो जाएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी का। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यहां पर इस पर्टिकुलर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसको लॉन्च किया गया था, जो आपका ये बन चुका था महलवारी सिस्टम। तीन सिस्टम थे, जमींदारी, महलवारी, आगे रियोतवारी आएगा, तीनों को मैं एक साथ बता दूंगा तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, जान जाएंगे उनके बीच के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो भाई अभी तक यहां पर देखो विकी जी भी पिज्जा खिला रहे हैं, तो आई डोनेटेड ब्लड ऑन 14th जून, 14 जून को इन्होंने ब्लड डोनेट किया था। तो ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन था, देखते हैं कौन आंसर करता है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको करना है, हु वॉज द ओनली वॉयसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाई शेर अली खान इन अंडमान इन 1972। कौन सा ऐसा पहला वॉयसराय था जिसे 1872 में शेर अली खान ने उनको ऑफिस के टेन्योर में ही मार दिया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। सेकंड यहां पर लॉर्ड मायो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। लॉर्ड मायो की अगर आप बात करोगे तो इन्हें यहां पर क्या किया गया था कि जो एक मतलब शेर अली खान थे, शेर अली खान के द्वारा अंडमान में 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मायो की। ठीक है, ये जो थे तो ये लॉर्ड मायो वाइसरॉय थे भारत के। अच्छा, किस समय पर थे भारत के वाइसरॉय, तो ये आपका 1869 से लेकर के 72 तक थे, 1869 से 72 के बीच में थे। भैया देखो यहाँ पे कोरोना वायरस आ चुके हैं तो सब अपना मास्क पहन लें और बच करके रहें। क्वेश्चन है आपसे, लॉर्ड कार्नवालिस इज नोन फॉर, कार्नवालिस को के लिए जाना जाता है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और रियोतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। ओके, अपने भारत में देखो कोरोना की दवा जो है ना, बोले ना एक वीडियो देखे होगे आपके, गो कोरोना, कोरोना गो, है ना, तो वो चलाई गई है। तो मायो को बिल्कुल ऑफिस में मार दिया गया था। कोरोना के बारे में बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच करके रहिएगा, सुरक्षा रखिएगा अपनी। ठीक है, सिंपल सा जो सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो इसका आंसर देखते हैं कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर इसका आंसर करेगा। राइट आंसर इसका आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो था बंगाल का, ये लॉर्ड कार्नवालिस को इनके नाम से जाना जाता है। इन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किया था जिसको बोला गया आपका जमींदारी पर था। अगला प्रश्न देखिए, आपको पर्टिकुलर ये मैच करना है। मैच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, एक साइड आपका दिया गया है मोपला रेबेलियन, लॉर्ड वेलिंगटन, साइमन कमीशन, लॉर्ड मिंटो, मतलब एक साइड इवेंट दिए गए हैं, दूसरे साइड दिए गए हैं वाइसरॉय। तो आपको उस इवेंट को मैच करना है, कौन सी इवेंट यहां पर वाइसरॉय से थी। मायो को पठान शेर अली ने चाकू से मारा था, वेरी गुड, यहां पर विकी जी बता रहे हैं। ओके, तो चाकू से मारा था, बट क्वेश्चन ये था कि भाई किसने मारा, किसको मारा गया था, तो नाम था वहां पर लॉर्ड मायो, ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर देखो, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। जब आप यहाँ पर मोपला रेबेलियन की बात करेंगे ना, तो जो मोपला रेबेलियन है ये किसके समय पर हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ था। मतलब देखो फर्स्ट का फोर हो जाएगा, फर्स्ट का फोर हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये सेकंड वाले में मिल गया, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। बी का थर्ड देखो, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय पर आया था, वेरी गुड। सी का फर्स्ट, पूना पैक्ट आपका लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर हुआ था, और डी सेकंड हो जाएगा
सूरत स्प्लिट जो था लॉर्ड मिंटो के समय पर, मतलब इसका जब आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड, दूसरा इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है यहां पर कि द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये हमने डिस्कस किया ही लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फॉलोइंग रिफॉर्म वर डन बाई, ये जो रिफॉर्म थे किसके द्वारा किए गए थे, क्या क्या रिफॉर्म थे, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, स्टाम्प में जब अपन किसी को पोस्ट वगैरह भेजते थे तो पोस्टेज टिकट लगाए जाते थे, पोस्टेज स्टाम्प हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन, मतलब डाक में डाक टिकटों का आरंभ, रेलवे का आरंभ और इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का आरंभ किसके समय पर हुआ था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनन और लॉर्ड लिटन। जो मूपला था, मूपला रिवेलिन आपका 1921 में हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, जो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, ठीक है, तर वाला जो वहां पर ऑप्शन आपको दिया गया था, पूना पैक्ट जो 1932 में होता है, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर हुआ था, और जो सूरत स्प्लिट था 1907 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पर हुआ था, सूरत में जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी बहुत फेमस है, डलहौजी को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और डलहौजी के टाइम पर जो है ना ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, डाक टिकटों को भी आरंभ किया गया था, रेलवे का भी स्टार्टिंग यहीं पर हुआ था, और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है उसको भी यहीं पर शुरू किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी जो भारत थे कब आए थे, 1848, ये याद रखना, 1848 में आए थे, 1848 में, और रेलवे जो थी ये कब चलाई गई थी, 1853 में, बॉम्बे से थाने के बीच में। बिल्कुल संयुक्ता जी, अपन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रखेंगे मंडे को, में भी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं आपको सारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वॉज पास्ड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को जब पारित किया गया था, इनमें से कौन भारत का वाइसराय था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लॉरेंस डाउन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। ओके, तो 1853 में, हाँ, थाने से, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। अभी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जिनके समय पर पास हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मुंबई और जो मद्रास को जब बंगाल के अंडर कर दिया गया था तो उसे क्या किया गया था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बजाय वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया था। तो भारत का गवर्नर जनरल का जो सिस्टम था ना, अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उन्हें सभी सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। एक्ट कौन सा था ये आपको बताना है। एक्ट आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773 का, चार्टर एक्ट है आपका 1853 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, और पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, 1784 का। इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर, जो चार्टर अधिनियम था 1833। देखो ये जो चार्टर अधिनियम आने शुरू हुए थे 1833, 53, 73, तो इन्हीं के बिहा पर यहाँ क्या हुए थे आपके, चेंजेस हुए थे। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया था। इसके ऊपर एक सेक्रेटरी बैठा दिया गया था अंग्रेजों में, जो मतलब ब्रिटेन में, जिसका नाम होता सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहलाता था। तो ये जो गवर्नर जनरल हुआ करता था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को ही कोऑर्डिनेट करता था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज रिलेटेड टू द अवोल्यूशन ऑफ ठगी, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के अनुमूलन से संबंधित है, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ और सर हेनरी हार्डिंग। बीस साल के गैप में आते थे प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 20-20 साल के गैप में आया करते थे।
रेलवे जो था 1853 में शुरू हुआ था, 1853 1853 में शुरू हुआ था, और उस टाइम पे अगर 53 की बात करोगे तो कौन थे, डलहौजी ही थे, लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के टाइम पर गया था। ठीक है, इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर आपको यहां पर मिलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन क्या था, ठगी, ठगी की जब बात करी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो एक एक के बारे में बात करते हैं, जब आप यहां पर लॉर्ड कार्नवालिस की बात करोगे ना तो इसने क्या क्या किया था आपका 1792 में, 62 से 92 के बीच में था, ठीक है, 62 से 92 के बीच में था, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स के तौर पर ये रहा। विलियम बेंटिक के समय पर आपका जो ठगी वगैरह हुआ करती थी इसको बंद किया गया था 1828 से 1835 के बीच में था, 1828 से 1835 के बीच में, ठीक है। तो ठगी वगैरह जो हुआ करता था, लूटपाट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बैन किया गया था, बंद किया गया था। और जो आपके ये थे जिनको बोला गया चार्ल्स मेटकाल्फ, चार्ल्स मेटकाल्फ को आप देखोगे, आप मानसी जी कह रही हैं लास्ट वाला क्वेश्चन गलत था, मानसी जी क्या चीज़ गलत थी मुझे बताइए थोड़ा सा ताकि हम उस पर डिस्कस कर पाए। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ना आपका, तो वो चार्टर एक्ट ही तो था मानसी जी, ठीक है। देखो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे आपका डाउट क्लियर करूंगा। जब चार्टर एक्ट था 1843 का, तो वहां पर अगर देखोगे तो जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो सारी पावर थी उनको दे दी गई थी, और नाम था उसका विलियम बेंटिक, ठीक है, देख लीजिएगा आप, सर्च कर लीजिएगा, ओके। तो यहां पर देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोएट्री विद द नेम ऑफ ओवेन मैड्रिथ, ओवेन मैड्रिथ के नाम से कविता लिखा करते थे, कौन से गवर्नर जनरल थे, यस आदित्य राज जी बिल्कुल वो सही आंसर था, आई डोंट नो उनको कहां से वो चीज लगा है, देख लेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे, और कमेंट सेक्शन है अपने पास वहां पर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ठीक है, ओके मानसी जी सही था लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, आप देख लीजिएगा एक बार, खुद को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोएट्री विद द नेम ऑफ ओवेन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, यहां पर ये जो थे इनको लिखा करते थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय पर कौन सा जो कार्य है वो नहीं हुआ है ये आपको बताना है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर कौन सा काम नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, देखो कहा जाता है ना कि हमें, जैसे न्यूज़पेपर वाले न्यूज वाले बोलते हैं कि हमें हमारे सोर्सों से पता चला, सूत्रों से मिले हैं, तो ये हमारे सूत्रों ने दिए हैं, और सूत्र बता देंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है ना, तो सूत्रों को हमेशा गुप्त रखा जाता है, बस आप क्या करिए फल खाइए। इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की जब भी बात आए तो देखो यहाँ पर जो नाम आएगा ना बच्चों हंटर कमीशन के टाइम पर, बिल्कुल यहाँ पर फली खाने हैं आपको। हंटर कमीशन जो था ये विलियम हंटर के चेयरमैनशिप पर था, और जो लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था। बाकी जो लॉर्ड कर्जन थे इनके समय पर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जहाँ पर दूसरा एक महाभारत सी खड़ी हो गई थी, और जो भारतीय लोक सेवा मंडल था ये भी लॉर्ड कर्जन के समय पर बना था। जो फेमाइन कमीशन था, फेमाइन कमीशन का मतलब था अकाल, अकाल आयोग की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। बस जो हंटर कमीशन था ये बना था लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, द फेमस कोसीजुरा केस ऑफ बंगाल हैपन इन हूज रीजन, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना किसके शासनकाल में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन सोर और वेलेजली। ठीक है, तो जल्दी बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। जो काशीनाथ जी थे, बाबू हुआ करते थे, उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगाया था, और वो जो झूठ बोलने का आरोप था तो कार्रवाई के लिए आपके न्यायाधीशों के पास अदालतों में गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसी को कोसीजुरा घटना कहा जाता है। और जो पूरी पार्टी वहां पर थी,
पार्टी को लेकर के कलकत्ता पहुंचे थे, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया था, तो ये हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। ठीक है, घटनाक्रम अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, चूंकि एग्जाम नजदीक है। सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि जो किसके टाइम पर अगर कौसीजुरा की बात होती है तो नाम आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, आपसे पूछा गया, क्रिस्प मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय। निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के दौरान क्रिस्प मिशन ने भारत का दौरा किया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड बेविल। किसके समय पर आया था ये आपको बताना है। ओके, देखो बिल्कुल यहां पर आप टेक्स्ट बुक पर भरोसा करो। इवन हम कोई भी चीज यहां पर होती है ना तो अपना एक पूरे के पूरे प्रोसेस से होकर के आती है, तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। बिल्कुल सही था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, क्रिस्प मिशन के बारे में पूछा गया था, तो क्रिस्प मिशन भारत में किसके समय पर आया था, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर। बात कब की है, तो ये आए थे आपके मार्च 19, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकित कुमार जी, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मार्च 1942 में ये यहां पर आया था। ठीक है, क्रिस्प मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, आपसे पूछा गया है कि द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हुई थी, भारत का संविधान कैसा होगा, वहां पर प्रोसेसेस वगैरह कैसे बनाई जाएंगी, और उसके बाद फिर क्या किया गया था। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया गया था, जो कि आज भी अगर हम देखें तो मेन सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 2/3 एज इट इज चीजों को लिया गया है। प्रीति जी कह रही ट्रिक से याद कराओ। प्रीति जी देखो, ट्रिक अपन गवर्नर जनरल की देख सकते हैं कि भाई कौन सा गवर्नर जनरल किसके बाद कौन सा आया था, बट उन्होंने काम क्या क्या किए थे। बच्चे ऐसे बहुत सारे काम है, तो कितनी ट्रिक बनाओगे आप, बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, तो एक वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा, जम्बल्ड हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल क्लियर रहो, क्रिस्टल क्लियर रहो कि इसने ये किया था, इसने ये किया था, बस। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन यहां पर हो जाएगा राइट आंसर, कि भाई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो इन्हीं के समय पर थी। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे ये भारत के वाइसरॉय रहे हैं, किस पर्टिकुलर टाइम में, तो ये आंसर आपका 1936 से हो जाएगा 44। 1936 से लेकर के 44 के बीच में लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, जो लॉर्ड इरविन की बात करोगे तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आप सुनाई होगे, गांधी इरविन समझौता के, तो ये आपका कब की बात है, 1926 और 1931, 26-31। ठीक है, लॉर्ड इरविन, जब आप लॉर्ड रीडिंग को देखोगे ना तो ये हमें मिलते हैं 21 से 26 के बीच में, 1921 से 26 के बीच में लॉर्ड इरविन हमको मिल जाते हैं यहां पर भारत में। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर सीख लेना, बट सिंपल सा मैंने यही है कि भाई मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और वेलिंगटन यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पर वाइसरॉय हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु प्रपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या हो रहा था कि जब अंग्रेज कोई भी काम करते थे ना, तो जो भी रीजनल न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी लिखा करते थे। सबसे बड़ी चीज़ जो उसका ये था कि भाई अंग्रेजों को जो रीजनल भाषाएँ थी हमारी वो समझ में नहीं आती थी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाई साउदर्न साइड की जो भाषाएं थी, साउथ में तमिल, तेलुगु वगैरह बोली जाती थी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, ये जो रीजनल लैंग्वेजेस अंग्रेजों को समझ नहीं आती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की आप बात करोगे तो ये क्या था कि एक ऐसा लाया गया था कि मतलब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, रेगुलरली ट्रैक करता रहेगा कि जो आपके रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर वगैरह बन रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में जो आपके न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो उनमें क्या चीज़ लिखी जाती है। उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था, और अगर उनके अगेंस्ट लिखा जाता था तो उसे बैन कर दिया जाता था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये आया था आपका लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ठीक है, लिटन के टाइम पर आया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड रीडिंग। ये जो प्रश्न है आपके बैक टू बैक प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, गवर्नर जनरल वाइसरॉय से इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो इनको याद रखिएगा।
ओके, तो यहां पर देखो राइट आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन के समय पर आप देखेंगे तो जो मतलब वाइसरॉय थे, जब ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया था, ऑल इंडिया किसान सभा को बिल्कुल यहां पर लॉर्ड रिपन के द्वारा जो आपका प्रेस एक्ट था उसको विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा को बनाया गया था, जमींदारी जो सिस्टम था तो जमींदारी राइट को ऑक्यूपाई करने के लिए उन सारी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया था किसान सभा, ठीक है भाई। देखिए कोरोना वायरस जी आए हैं आज, कोरोना वायरस जी का स्वागत करो और उनको बोलो कि जल्दी से यहाँ से क्या करें, हमारे भारत में ना पधारें, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहा करता था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस और वेलेजली। ओके विकी जी ने देखो यहां पर एक चीज और ऐड कर दी है, कोरोना जी आए नहीं कि मंत्र पढ़ना शुरू हो गया भाई, कोरोना गो गो कोरोना, है ना। ओके तो जल्दी से देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है, करेक्ट ऑप्शन की आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। कंप्यूटर जी ने सबके लिए मेडिसिन भेजी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ये खुद को बंगाल टाइगर कहा करते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस डायआरकी सिस्टम इन बंगाल। डायआरकी का मतलब यहाँ पर क्या होता था बच्चों, द्वैध शासन। इसका मतलब था कि एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, है ना, जो कौन होगा आपका दिखावे का, जिसको हम क्या बोलते हैं पपेट नवाब, पपेट नवाब जैसे कहला जाएगा, है ना। बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, ये जवां बोलेगा किसकी, केसरी नहीं ब्रिटिश की, जैसे बोले ना बोलो जवां केसरी, तो वो नहीं, यहां पर ब्रिटिश की जवान बोलता था, मतलब जैसा अंग्रेज कहेंगे उनको वैसा करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर इस पर्सन को वो किया गया था। तो डायरकी जो सिस्टम था तो इसमें से कुछ पावर, मेनली जो आपके फाइनेंस रिलेटेड पावर हुआ करती थी, ये पावर है ना आपकी किसके पास होती थी, ब्रिटिश के पास, कि जितना पैसा आएगा वो हम रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में दिया जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय पर जो था ये डायरकी सिस्टम को लाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय पर एक फेमस इवेंट मैं आपको बताता हूं, जो एग्जाम में आपने कई बार देखी होगी, बैक टू बैक पूछी होगी, पूछी भी गई है। और ये जो इवेंट है 1757 जिसे कहा जाता है आपका बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, जो ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजिडी इस प्लासी के युद्ध का आधार बनी थी। ब्लैक होल ट्रेजिडी आप सभी को पता है, 146 जो ब्रिटिश थे, 146 ब्रिटिशर्स खुद को बचाने के लिए जब कासिम बाजार की फैक्ट्री पर नवाब सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया था तो फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे पर घुस गए थे, उनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी थे। और जब एक दिन के बाद गेट खोला गया तो 146 में से ओनली 23 लोग जिंदा बचे थे, 123 लोग मारे गए थे। और यही आधार बना बन गया था जब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गया था, हालांकि उसने वहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया था, उनमें नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति भी था। और सेनापति ने यहाँ पर उनके साथ गद्दारी कर दी थी। तो 1757 में सिराजुद्दौला की मौत हो जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे बंगाल को कैप्चर कर लिया था। और बंगाल के बाद 64 में आ गया था आपका, जिसको बोला गया बक्सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूछा गया है, ड्यूरिंग हूज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगिन। भारत में किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, डलहौजी, चेम्सफोर्ड और कर्जन। अब विक्रम कुमार जी कुछ लिख रहे हैं इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चेम्सफोर्ड साहब, ठीक है। कि ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड खिलाफत मूवमेंट बिगिन, तो खिलाफत मूवमेंट आपका जो शुरू हुआ था तो ये किसके टाइम पर शुरू हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय पर। और शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद मेन यहाँ पर फेस थे इस पर्टिकुलर खिलाफत मूवमेंट के, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खलीफा से रिलेटेड था खिलाफत। Who among the following introduced the रयौतवारी सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में रयौतवारी प्रणाली की शुरुआत की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड थॉमस म्यूनरो। किसके टाइम पर शुरू करी गई थी ये आपको बताना है। रयौतवारी सिस्टम को भारत में कब शुरू किया गया था, ये एक सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जब आप सही उत्तर देखोगे तो राइट आंसर होगा आपका थॉमस म्यूनरो। थॉमस म्यूनरो के समय पर रयौतवारी सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, 1820 में लाया गया था इसको, 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो गवर्नर हुआ करते थे तो जो लैंड था, लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग इन्होंने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था थॉमस म्यूनरो के द्वारा मद्रास से। ठीक है, जब आप यहां पर बात करोगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन में लाया ही है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी ही है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करता था आपका बंगाल का, जिसके समय पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लाया गया था। फिर इसके बाद आप देखोगे तो जो विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जो पर्सन था महलवारी सिस्टम से रिलेटेड था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन कहलाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखिए, द डूरंड कमीशन वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग? डूरंड आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वाइसरॉय के दौरान हुई थी? लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लैंसडाउन। किसके समय पर हुई थी ये आपको बताना है। अभी की जी बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, मैं आपको जो गवर्नर जनरल और वाइसराय वाला सिस्टम है ये पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा आज। ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद गवर्नर जनरल वाइसराय से जो भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये क्लास आपने पूरा अगर देख लिया, सारा कुछ देख लिया, तो वो सारी चीजें आपको क्या होंगी, सारी चीजें आपका उसमें मतलब कवर हो जाएंगी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो जो लॉर्ड लिटन है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 76 से लेकर के 1876 से लेकर के 80 के बीच में रहे हैं। लॉर्ड रिपन को जब आप देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर टेक विजार्ड जी पीडीएफ मिलेगी आपको, परेशान मत होइए। लॉर्ड रिपन की बात करोगे तो 80 से 84 के बीच में थे, ये भी मैंने आपको बताया था। नॉर्थ ब्रुक को जब आप देखोगे तो 72 से 76 के बीच में थे, 72 से 76 के बीच में। और लैंसडाउन जो है तो 88 से 94, 1888 से लेकर के 94 के बीच में रहे। इनके समय पर जो आपका ड्यूरंड कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ये डेमोक्रेट थे आपके, ब्रिटिश जो इंडिया थी और अफगानिस्तान के बीच में, और यहीं से आपका जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ था। तो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन खींच दी गई थी, बॉर्डर जिसको कहा जाता है, तो डूरंड लाइन खींच दी गई थी। और उस समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, आज की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत और ये सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु अमंग दीज इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर चल रहा था कि सर रेलवे का जो बोर्ड था उसके रिगार्डिंग, तो अब यहां पर मैं रेलवे के बारे में आपको सारी चीजें बता दूंगा। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, पहले आपको ये कमेंट करके बताना है। लॉर्ड डलहौजी, जगन्नाथ शंकर सेठ, लॉर्ड रिपन और जमशेद जी जीजा जीजी भोए। अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथ शंकर सेठ साहब हैं, इनके नाम से जो मुंबई में स्थित मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं वो जाना जाएगा शंकर सेठ स्टेशन के नाम से। ठीक है, तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अभी जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी भारत में वाइसरॉय था जब भारत में पहली रेलवे चलाई गई थी, बात है 1853 की, 1853 की, और ये मुंबई सेंट्रल से लेकर के थाने के बीच में चलाई गई थी। और ये पहली अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर ट्रेन थी जो यहाँ पर रन हुई थी, क्योंकि ये ड्यूरेशन इसके समय पर था, इसलिए इसको जो है इंडियन रेलवे का फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है,
क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, ड्यूरिंग हूज टेन्योर वॉज द विडो रिमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस, विधवा पुनर्विवाह को किसके कार्यकाल के दौरान परिचय दिया गया था। आपको मैंने बताया था कि सती प्रथा एक ऐसा पर्टिकुलर कुलक्षण था, या एक ऐसा पर्टिकुलर वो था कि जिसने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, पूरी तरीके से एक जो हिंदू धर्म था उन सारी चीज़ों को वो करके रखा था, उसे बंद होना बहुत ज़रूरी था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अगर जो विधवा है तो वो विधवा करेगी क्या, क्योंकि उसको समाज में एक जो दर्जा मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, और इवन वो अपने खाने पीने के लिए मतलब भूख प्यास से या वैसे ही रह जाया करती थी। तो यहाँ पर लाया गया था विधवा पुनर्विवाह, जिसको विडो रीमैरिज कहा गया, कि अगर एक इंसान चला गया है तो किसी कोई पर्सन को अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने के कुछ अधिकार दिए गए, जिसे बोला गया विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह कहा गया। ये अधिनियम किसके समय पर लाया गया था ये आपको बताना है, लॉर्ड कैनन, रिपन, बैंटिंग और डलहौजी। ईश्वर चंद विद्यासागर जी इससे रिलेटेड हैं, वेरी गुड, यहाँ पर उनका नाम आ रहा है ईश्वर चंद विद्यासागर जी का, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, इवन उन्होंने खुद एक विडो से शादी की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे शुभम कुमार जी, मैंने कमेंट देख लिया है, डोंट वरी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ये आपका जो विडो रिमैरिज एक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, विधवा पुनर्विवाह को, और यहाँ पर है ना इसको पूरी तरीके से मतलब ये वैलिड करार दे दिया गया था, और जो उनके जो होने वाले बच्चे थे वो भी वैध करार दे दिए गए थे, और यहाँ से धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस फैलती है, और वो एक जो रवैया था कि भाई विधवा को दूसरी नज़र से देखने का, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव समाज में देखने को मिला। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। फेमाइन आया था, इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट 1900। कौन सा आया था ये आपको बताना है। बैंटिक के टाइम पर सती प्रथा बैन हुआ था, वेरी गुड, 1829 मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। मानसी जी कह रही हैं INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर इनका कहना है। इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में इसका गठन हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपसे देखो डफरिन की बात करी गई, अभी मैंने डफरिन के बारे में आपको बताया भी था। अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाई, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी। पब्लिक वर्क्स का मतलब है पब्लिक से रिलेटेड जो वर्क्स हुआ करते थे, जस्ट लाइक रोड बनाना, डैम बनाना, ये सारी चीज़ें जिनसे पब्लिक का वेलफेयर जुड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो आपका डिपार्टमेंट बनाया गया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे कहा गया था, किसके समय पर बना था ये, लॉर्ड हार्डिंस, ऑकलैंड, कार्नवालिस और डलहौजी, ये आपको बताना है। जिसको PWD कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे ना कि भाई PWD में इंजीनियर है, PWD का इंजीनियर मतलब क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में इंजीनियर हुआ करते थे, क्योंकि उनका काम होता था गवर्नमेंट के द्वारा जो बहुत पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहे होते उन पर वर्क करना और उनको सेटल करना। मानसी जी कह रही है इसका उत्तर शायद डलहौजी है, और बिल्कुल यहां पर आप इसके लिए सही है, शायद नहीं वो हकीकत है। ठीक है, खुद पे भरोसा लाओ कि शायद की जरूरत हमें ना पड़े, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है जिसको सार्वजनिक विभाग की स्थापना जो थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी। एकता झा जी, इसलिए यहां पर कहा जाता है कि जो डलहौजी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी के यहां पर मैंने जितने भी ऑलमोस्ट इवेंट थे वो सारे मैंने यहां पर कवर करे हैं, क्योंकि इसके समय पर अगर देखोगे तो जो सड़क हुआ, ब्रिज हुए, सीमा सुरक्षा, सारी चीजों से रिलेटेड वर्क किए गए थे। ठीक है, इसने हर चीज को लेकर के सॉरी बिल्कुल यहां पर गुड्डू जी भी PWD के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल का मतलब होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई सांप्रदायिकता,
जैसे आज अगर आप देखो, आज देखो या कभी भी देखो, मैं यहाँ पर किसी हम राजनीति पर कमेंट नहीं करेंगे, ना ही अपना वो एक पर्टिकुलर मकसद है। अपना मकसद है एग्जाम को निकालना। मैं सिर्फ आपको सांप्रदायिकता बताता हूँ क्या है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के विवाह पर, जो धर्म के आधार पर जो भी झगड़े होते हैं, तो वो यहाँ पर राइट आंसर है भाई। धर्म के आधार पर जो झगड़े होते थे ना, वो यहाँ पर हुआ करता था। जैसे मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम रियॉर्ट्स हो गए, और ये जो झगड़े हुआ करते थे, तो ये आपके यहाँ पर कहलाते थे। इसका अगर आप राइट आंसर देखेंगे, तो जो आपका सांप्रदायिकता था, ये किसके समय पर फैला था? सबसे रिगार्डिंग लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में आप सभी को पता होगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो जो मार्ले थे, ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के सेक्रेटरी थे, जो कहां पर बैठा करते थे? ब्रिटेन में बैठा करते थे। और जो लॉर्ड मिंटो थे, ये भारत में हुआ करते थे। तो इनके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये यहां से इन्होंने क्या किया था कि भाई, इनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो सांप्रदायिकता फैली है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें यहीं से निकल करके सामने आती हैं। और ये किस चीज का हिस्सा था? तो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का ये एक हिस्सा था। अंग्रेजों ने भाई भारतीयों को क्या किया था कि इनको फूट डालना शुरू कर दिया था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद पूरा भारत इकट्ठा हो गया था। तो धीरे धीरे उन्होंने पहले मुस्लिमों को तोड़ा था, मुस्लिमों के बाद सिखों को तोड़ा, सिखों के बाद फिर यहाँ जो हम सुनते ना कि भाई ये आदिवासी है, नीच दलित हैं, तो दलित वर्ग को तोड़ा। धीरे धीरे यहाँ पर फूट पड़ती गई, और फूट पड़ने के साथ भारत के टुकड़े धीरे धीरे होते गए, जिसका परिणाम आज भी आप लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं हम। लॉर्ड मिंटो के बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज इम्पीच्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के द्वारा निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस पे महाभियोग लगाया गया था? महाभियोग का मतलब है कि जैसे आज अगर हम महाभियोग की बात करें, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, तो उन्होंने अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करी है, मतलब ऐसी चीजें करी है परफॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी इजाजत हमें नहीं देता, या जिनको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, तो उन पर महाभियोग चलाया जाता था। तो सेम चीज यहां पर एक गवर्नर जनरल था जिसने यहां पर किया था कि भाई कुछ ऐसे काम किए थे जिसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस जाता है, तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सही उत्तर रहेगा। ये लगभग आपका 1772 से लेकर के 85, आप यहां पर अगर देखेंगे तो लगभग 13 वर्ष का कार्यकाल था इस पर्सन का। यहां पर 13 ईयर तक ये यहां पर रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के समय पर जो रोहिल्ला वॉर हुआ था, रोहिल्ला वॉर के बारे में आप सभी को पता होगा कि भाई रोहिल्ला वॉर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। जो ट्रूप थे अवध के नवाब के साथ, इन्होंने लड़ा था। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेनली जो रोहिल्ला वॉर ही यहाँ पर फोकस में हुआ था, जो नंदा कुमार केस था, इनके बिहार पर इसके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया था। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था कि भाई किसानों से जो पैसा आ रहा था, वो पैसा सरकार का था, वो पैसे को गलत तरीके से अपने पास रखा था। अपनी संपत्ति इसने बनाई थी, अपनी संपत्ति इन्होंने बना ली थी, और इतनी संपत्ति बना ली थी कि आज तक उनकी पुश्तें बैठ करके खाएं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये सारे के सारे लोग भारत को लूट करके लेके गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच अमंग दीज वाइसरॉय रिपेल्ड द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की कहानी तो बहुत खतरनाक है, सभी लोग यहां पर जानते होंगे। मान लो कि अंग्रेजों ने अगर कोई चीज गलत करी है, और मैं उसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये चीज गलत है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो रॉलेट एक्ट क्या था पता है? भारत में जो इस तरीके की जो गतिविधियां थी ना, कि कोई भी चीज अगर वो गलत कर रहे थे, तो उनका अपोज हो रहा था, उनको यहां पर अपोजिशन झेलने को मिल रहा था, उनके अपोजर्स भारत में आ गए थे जो उनका विरोध कर रहे थे। तो ये कहा गया कि भाई एक एक्ट लाया जाए जिनके बिहाफ पर हम इन्हें गिरफ्तार कर सके। अब अगर हम इनको गिरफ्तार करें, तो उनको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ना तो किसी तरीके की यहां पर दलील दी जाएगी, ना ही किसी तरीके का यहां पर वकील होगा, ना ही यहां से किसी भी तरीके की आपकी डिमांड की जाएगी, और सिंपल सा गिरफ्तार करके उसको सजा सुना दी जाएगी। ये आपका रॉलेट एक्ट कहलाया, जिसे गांधी जी और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पर, हर किसी ने काले कानून के बारे में कहा था कि ये एक काला कानून है।
ठीक है, भारत के इतिहास का जो काला कानून है इस नाम से उसको यहां पर जाना गया था, और इसी को यहां पर बोला गया आपका रॉलेट एक्ट, जो आया था किसके टाइम पर, लॉर्ड रीडिंग के समय पर लाया गया था। आई थिंक के सभी को ये जो जो आपका रॉलेट एक्ट है ये समझ आया होगा। ठीक है, ये सब समझ आ गया होगा कि किसने रिपेल किया था, तो रिपेल हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट किसके द्वारा, नो अपील नो वकील नो दलील। बिल्कुल यहां पर अमित कुमार जी आपने सही कहा, ये जो आपका रॉलेट एक्ट को यहां पर रिपेल किसके द्वारा किया गया था, तो इन्हीं के टाइम पर रिपेल हुआ था। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना 1921 से लेकर के 1921 से 26 के बीच में थे, और ये वो दौर है। देखो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको यहां पर पार्ट बता देता हूं, इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस मूवमेंट के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए थे, ये तीन फेज में संघर्ष हुए हैं। पहला जो फेज था इसको माना जाता है आपका 1905 से लेकर के 1911 तक का, 1905 से 1900, या इसको 1885 भी आप यहां पर कर सकते हो, क्योंकि 1885 में ही क्या हो गई थी आपका कांग्रेस बन गई थी। तो पहला जो फेज है ये 1885 से लेकर के 1905 तक आता है। सेकेंड जो फेज है ये यहां पर आपका 1905 से लेकर के 1919 तक आता है। तीसरा जो फेज है ये आपका 1919 से शुरू होता है और ये 1947 तक आता है। थर्ड वाले फेज में ही यहां पर क्या बोला गया था कि भाई अगर कोई एक गाल में थप्पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं गांधीयन एरा, गांधीवादी युग जिसे कहा जाता है, गांधीयन एरा यहां पर इसके बारे में आ जाता है। ठीक है, गांधीयन एरा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नटसेल में जो मैंने आपको बताया। अगला जो प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, देखिए, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैशूर वार, चौथे आंग्ल मैशूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेजली और बेंटिक। तो यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, चौथा जो आंग्ल मैशूर युद्ध है इसके बारे में बताना है। सब दिल्ली जा रहे हैं भाई, बिल्कुल दिल्ली जाओ, बट मैं तो ये कहूंगा कि एक ऑफिसर बन करके जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ऑफिसर बनने के लिए राह आपके सामने है, एसएससी का एग्जाम नजदीक है, क्रैक कर लो। ठीक है, तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी दिल्ली पहुंचने वाली। राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। इसके टाइम पर जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो इंडो कर्नाटिक के एक पर्टिकुलर रीजन में आता था, तो ये इसके समय पर हुआ था। और इसी में अगर आप देखोगे तो जो श्रीरंगपट्टनम था, 1799 में श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजों ने हथिया लिया था। टीपू सुल्तान यहां पर क्या थे, वो हुआ करते थे, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, मैसूर के नवाब हुआ करते थे, जिनसे युद्ध लड़ा गया था। हैदर अली साहब मारे गए थे और टीपू सुल्तान के जो दोनों बेटे थे इन्हें गिरफ्तार कर, इनको मतलब एक तरीके से क्या कर लें, अगवा कर लिया गया था। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की फाइन लगाई गई थी। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय पर भारत का जो वाइसरॉय था ये कौन था। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका जो कांग्रेस था इसने पूरी तरीके से विरोध कर दिया था, कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं था। सिर्फ यहां पर आप देखोगे तो जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे ये इकलौते थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसके जस्ट बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जहां से इरविन ने गांधी जी को राजी कर लिया था गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो देखते हैं भाई इसका आंसर कौन देता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी और राइट आंसर यहां पर इरविन हो जाएगा। देखो अगर मैंने ये नहीं बोला था कि भाई इरविन था, बट क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैंने आपको दे ही दिया था कि राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इरविन। गांधी इरविन समझौता तभी हुआ था जिसके बिहाफ पर कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी अग्री हुए थे। वो गए थे भी पार्टिसिपेट करने, बट वहां पर जो सांप्रदायिकता का मुद्दा था, सांप्रदायिकता का मुद्दा छिड़ने के बाद गांधी जी उस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ करके चले आए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मसाकेयर हैपेंड।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर आप बात करेंगे तो एक भीषण नरसंहार जहां पर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई। हालांकि यहां पर आपसे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था वाइसराय कौन था ये तो आप बताएंगे, बट यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसे क्या बोला जाता है जनरल डायर, हालांकि अगर उसे डायन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जनरल डायन ने क्या किया था या जनरल डायर ने कि किचलू सत्यनाथ साहब जो थे इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनकी गिरफ्तारी का अपोज कर रहे थे बहुत सारे लोग, जाकर के शांतिपूर्वक ढंग से जलियांवाला बाग में जाकर के बैठे थे और जनरल डायर आता है उसने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने की इजाजत दे दी थी। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग वहां पर मारे गए थे और इतने सारे लोग मारे गए थे उस बाग में कि हर किसी ने यहां पर अवार्ड वापसी करी थी। जो आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा अवार्ड वापसी, वो वहीं से शुरू हुई। नाइटहुड की उपाधि हो, गांधी जी को जो आपका केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, सारे टाइटल सबने लौटा दिए थे कि आपने इतना भीषण हत्याकांड क्यों किया। और मजबूरन बस फिर वहां पर अंग्रेजों को उसके रिगार्डिंग क्या करना पड़ गया था, एक्शन लेना पड़ गया था। 1919 की बात है, अप्रैल 1919 की, और एक्शन में भी क्या हुआ था, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर कमीशन बना करके बिठा दिया, उस कमीशन ने उस रिपोर्ट में उसको खारिज कर दिया। बाद में जब यहां पर होता है तो भाई बहुत सारी चीजें हुई थी, तब जाकर के आपका उसके बारे में ये आया था। यस मानसी जी बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है कि पीपल्स जो किचलू सत्यनाथ थे उन्हीं की गिरफ्तारी का अपोज कर रहे थे, वही मैंने आपको बताया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत में उस समय पर गवर्नर जनरल जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो यहां पर देखो अगला प्रश्न की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंसेस था क्या पहले ये जान लो। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एक एरिया है, है ना, इस एरिया में एक राजा है। अब इस एरिया में जो भी कुछ होना होगा वो काम कौन करेगा, राजा करेगा। अंग्रेजों ने इसको कैप्चर कर लिया, अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपकी सुरक्षा के लिए हम हमारी सेनाएं आपके यहां पर भेज देते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए जो अहम सेनाएं हैं आपस से हमारे यहां से बाहर आपस की आपके यहां पर भेज देते हैं। सेनाओं को भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये देखना था कि कहीं ये राजा दूसरे किसी राज्य के साथ मिलकर के कुछ हमारे विरुद्ध में तो रणनीति नहीं बना रहे हैं। और उस सेना को आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी वगैरह सारी चीजें देनी पड़ेंगी, बस अंग्रेज आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसे सब्सिडरी अलायंस कहा गया था। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, जिसके समय पर इन सब्सिडरी अलायंसेस को शुरू किया गया था। और अगर आपको याद हो कि जो भाई ये जो सब्सिडरी अलायंसेस है ना, बिल्कुल यहाँ पर है ना, देखो प्रकृति अपना बदला ले ही लेती है, अधर्मियों का नाश हो रहा है योगी जी कह रहे हैं। सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये कहा जाता है, किसी महान व्यक्ति ने ये बात कही है कि आज जो फसल आप काट रहे हैं अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उन बीजों की जांच कीजिए जो आपने बोए थे, या आगे जो आप फसल काटना चाहते हैं तो आपको वो बीज बोने पड़ेंगे। आज से जब आप बीज बोएंगे तब जाकर के आपको वो सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलेजली। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अर्न द टाइटल ऑफ मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि प्राप्त की है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिंपल सा एक वर्ड मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, जो मैंने कहा कि आज जो फसल आप काट रहे हैं अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उन बीजों की जांच कीजिए जो आपने बोए थे, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को यहां पर मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, क्योंकि डलहौजी के समय पर आप देखिए बहुत सारे यहां पर क्या बनाए गए थे, ब्रिजेस वगैरह बने थे, ब्रिजेस के साथ साथ अब बहुत सारी सड़कें सराय वगैरह सब कुछ यहां पर बनाया गया था, तैयार हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ईस्ट इंडिया कंपनी टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने के लिए जिम्मेदार था।
सभी को पता होगा कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे, एक पर्टिकुलर सिस्टम हुआ करता था जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को डील किया करता था, दूसरा कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो काम करते थे। ओके, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, बात तो बहुत अच्छी है। देखो, शमशान घाट के बाहर भी लिखा होता है कि आखिरी मंजिल तो तुम्हारी यही थी बट पूरी उम्र निकल गई जाते जाते, है ना। बट कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तब तो आपके जीवन का एक कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। अदरवाइज अगर ऐसे ही आए थे जैसे आए थे वैसे ही मर जाना है तो वो तो हर कोई कर लेता है, तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर चार्टर एक्ट। देखो, चार्टर एक्ट हर 20 साल के अंतराल में आया करते थे, 20-20 साल के पहले। एग्जैक्टली चार्टर का मतलब क्या था ये समझ लो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के भारत आई थी ना, तो इंग्लैंड की महारानी ने उनको व्यापार की इजाजत दे दी थी और मोनोपोली दी थी, याद रखिएगा मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये नहीं था कि भारत में एक कंपनी व्यापार करेगी, मोनोपोली का मतलब यह था कि इंग्लैंड से भारत में सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करेगी, ये मोनोपोली यहां पर दी गई थी। अब यहां पर क्या हुआ कि वो जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीजें एकदम बिल्कुल वेल सेटल्ड वे में जा रही थी, बस ये यहां पर हो गया कि आने वाले टाइम में कंपनी का वो जो एक पर्टिकुलर चार्टर था, मतलब जो एक परमानेंट जो उनको ऑर्डर दिया गया था उसको चार्टर में बदल गया। चार्टर की मतलब अब उनको वो लाइसेंस भारत में व्यापार करने के लिए 20-20 साल का लाइसेंस दिया करते थे, तो हर 20 साल में जो लाइसेंस रिन्यू होकर के आता था वो आपका चार्टर कहलाता था, ठीक है। तो यहां पर देखो आपसे क्या बोला गया है कि भाई जो पहला चार्टर था 1813 में आया, उसके बाद 1813 के 20 साल बाद 33 में आया, फिर 53 में आया। तो ये जो चार्टर हुआ करते थे ना, इन चार्टर अधिनियम के तहत ही जो पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर शामिल हो गई थी। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, मार्लेमेंटो एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसका सही आंसर बताने वाले को कंप्यूटर जी चॉकलेट खिलाएंगे, जल्दी से आपको बताना है। मानसी जी यहाँ पर कह रही हैं, फर्स्ट लॉ मेंबर वाज मेड इन चार्टर 1833, ही वाज मैकाले विदाउट राइट टू वोट। यस, बिल्कुल। और मैकाले जब भारत आया था तो अपने साथ वो इंग्लिश को लेकर के आया था, मतलब मैकाले के आने के बाद इनिशिएशन वहां पर किसी और ने किया था, बट पूरी तरीके से लागू की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा को भारत के एजुकेशन सिस्टम में लागू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। ओके, तो देखते हैं यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है, कौन देता है। चलो, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखो कौन सा एक्ट था जिसने प्रोवाइड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अभी जैसे मैंने आपको मार्लेमेंटो रिफॉर्म के बारे में बताया था, सेम चीज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। जैसे मार्ले कौन थे, मार्ले थे आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो ब्रिटेन में बैठा करते थे, मिंटो वाइसरॉय थे भारत के, सेम चीज यहां पर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे जो ब्रिटेन में बैठते थे, चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो भारत में रहते थे। इन दोनों के बीच में ही कनेक्शन था, ये पूरा भारत देखता था, वो पूरा ब्रिटेन देखता था। कोई भी ब्रिटेन को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मॉन्टेग्यू को पकड़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से मांगेंगे। चेम्सफोर्ड के अंडर जो भी पर्टिकुलर सिस्टम हुआ करता था वो सारी न्यूज सारा कुछ अपडेट करता था चेम्सफोर्ड को, जिसे वो आगे अपडेट कर दिया करते थे, ठीक है। तो यहां पर जो है ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन की आप बात करोगे फर्स्ट टाइम भारत में, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ ही हुआ था। और ये केम इफेक्ट कब से होता है, 1919 से केम इफेक्ट हुआ था। तो डायरकी सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, और सबसे बड़ी चीज यहां पर एक सेपरेट प्रीएम्बल की भी बात करी थी, एक अलग से प्रीएम्बल यहां पर बनाने के लिए इसमें कहा गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है, 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त बहुत सारी मिल गई थी।
तो वो आपका पेट्स इंडिया एक्ट कहला जाता है। और मार्लेमेंटो रिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, आप प्रीति सिंह जी कह रही हैं कितना बचा है, बिल्कुल यहाँ पर प्रीति सिंह जी अपन लगभग आखिरी पर पहुँचने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 इंट्रोड्यूस टू कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, अ सिविल कोर्ट जिसे आपका दीवानी अदालत कहा जाता था। मतलब वो कौन सा गवर्नर जनरल है भारत में जिसने 1772 में इंट्रोड्यूस किया था दो कोर्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में, दो कोर्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में। पहला जो आपका कोर्ट था, अरे कंप्यूटर जी भैया चॉकलेट खिलाओ बच्चों को, अरे चॉकलेट है हमारे कंप्यूटर जी बहुत सारी रख करके बैठे हैं, मैंने बताया ना कि क्या था, आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे थे इसलिए कंप्यूटर जी चॉकलेट नहीं खिला रहे हैं। अगर उनको वहां पे दिखता रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको डिजिटल चॉकलेट भेजते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके या भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में दो अदालतें पेश की, एक आपराधिक अदालत जिसे फौजदारी कहा जाता था और एक दीवानी अदालत जिसे सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर सभी लोग आंसर कर रहे हैं, राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, इन्हीं के समय की बात है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर 1772 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो पर्टिकुलर एक ही स्टेट या एक ही जिले में दो पर्टिकुलर कोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और अंतिम में लगभग अपन पहुंच गए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गवर्नर जनरल को पहली बार राज प्रतिनिधि की उपाधि कब दी गई थी। वाइसरॉय का मतलब होता है राज प्रतिनिधि। सुमन आनंद जी मैंने आपका क्वेश्चन देखा है, सिंपल सा, अगर एक चीज पर आप फोकस करो तो मैं आपको कहानी की तरह सुना रहा हूं। आपने कौन सी मूवी याद देखी थी ना, उस मूवी का एक एक सीन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें याद होंगी क्योंकि आपने उनको विजुलाइज करके देखा है। सेम चीज ये सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको अगर आप विजुलाइज कर ले गए कि यहाँ पर ये इवेंट हुई थी, आपके दिमाग में वो मूवी चलनी चाहिए, सबसे आसान तरीका है इन चीजों को याद करने का। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर टीन्योर याद हो जाएगी, कोशिश करिएगा। इसका जब सही उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1858, मैंने आपको बताया था 1857 यहाँ पर एक नई सत्र की शुरुआत होती है 1857 से, भारत ने गुलामी की पराकाष्ठा को यहीं से देखा है। 1857 के बाद भारत में थोड़ा सा बदलाव आए थे और बदलाव में ये था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई थी, तो जो गवर्नर जनरल भारत के कहलाया करते थे उनको वाइसरॉय कहा जाने लग गया था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर अनंत हिमाडे जी यहाँ पर इसको एक बार बिल्कुल ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर आपसे, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म ऑफ द ब्रिटिश एरा, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में से किस सुधार के रूप में जाना जाता है, मार्लेमिंटो रिफॉर्म, क्रिस्प मिशन, बेबल योजना या प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश एरा, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है प्रीति जी, आखिरी क्वेश्चन है आपका ये, सॉरी आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न आएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मार्लेमिंटो रिफॉर्म। मार्लेमिंटो रिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया ही था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो मार्लेमिंटो रिफॉर्म आपके 1909 में हुए थे, इन्हीं को इंडियन काउंसिल एक्ट के तौर पर भी जाना जाता था। ठीक है, और ये भारत में एक तरीके से फूट डालो और शासन करो की नीति थी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, कि भारतीयों को आपस में तोड़ दिया गया था और इन्हीं को इनके बीच में ये शासन करने लग गए थे। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कोई भी पर्टिकुलर परिवार हो वो तभी तक मजबूत होता है जब तक कि वो अपना इंटरनल अफेयर अपने आप मैनेज कर लेता है। अगर बाहरी डिस्टर्बेंस हुआ या फूट डलने पाई तो पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, यही भारत में हुआ था उस समय पर। तो आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड टू, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है,
पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेटिंग अप ड्यूरेंट कमीशन, भूटान वॉर और इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ बजट। तो किससे रिलेटेड है भाई, जल्दी से बताओ। यहाँ पर ये आज का आखिरी प्रश्न है और आखिरी प्रश्न का आंसर जितने लोग देंगे हर किसी को चॉकलेट मिलेगी। सूर्या चौहान जी ने बिल्कुल यहां पर सही आंसर दिया है इसका। ये देखो खुशी की एकदम बिल्कुल लहर आ चुकी है, जैसे किसी ने एक जो नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे हम क्या बोलते हैं लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर छोड़ दी हो। इस तरह से सब लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि सर आज का सेशन ओवर हुआ। तो गाइस सभी ने आई थिंक बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और क्या क्या सीखा है समराइज करके मुझे कोई बताए यहाँ पर, मजा आया या नहीं आया या बोर हुए, पहले तो सबसे पहले ये बताओ। कल बिल्कुल यहाँ पर कल सुबह 10 बजे क्लास रहेगी, जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा SSC CHSL। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, वापस से रिपीट कर दूंगा, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो इवेंट है ये लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। क्लियर है? ओके, तो गाइस एंजॉयड, होप यू लाइक द सेशन, आप सभी को सही लगा होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और यहाँ पर देखो जो हमारा मॉडर्न इंडिया है ना, मॉडर्न इंडिया में वाइसराय और गवर्नर जनरल से जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। ये वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, योगेश मंधाने जी, मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कभी भी अगर PDF ना मिले ना, जैसे कल वाले सेशन पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर PDF डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आ जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, बट ऐसा मोस्टली नहीं होता है, बट PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट फॉर द टुडे सेशन, अभी के लिए इतना ही। कल हम सुबह 10 बजे मिलेंगे सभी लोग, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा 3 घंटे का मैराथन चलेगा, पिछली बार SSC CGL की तरह ही इस बार। और वो जो मैराथन SSC CGL में लिया गया था उसमें से आपको हर शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन मिले थे, सेम चीज आपका CHSL में भी होगा। तो कल 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टेस्टबुक के ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।